सोलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करता हूँ सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो यहाँ पर निकल के आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, अभी तक रियलमी के स्मार्टफोन में भी हम यहाँ पर बात करें सी सीरीज के बारे में, तो रियलमी सी सीरीज में हमें यहाँ पर 6000 mAh तक की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिली है, लेकिन अब यहाँ पर Realme जो है वो 7000 mAh की बैटरी पे काम कर रहा है। Realme की एक 7000 mAh की जो बैटरी है उसको आज TUV Redline सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और जल्दी ही आपको Realme की जो स्मार्टफोन होंगे या फिर टैबलेट वगैरह होंगे वो अब यहां पर 7100 mAh की बैटरी यानी 7100 mAh की बैटरी पे आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। यानी बैकअप कितना होगा ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। अगर 7000 mAh की बैटरी पे स्मार्टफोन आता है तो उसका बैकअप काफी ज्यादा होने वाला है, तो Realme अब यहां पर हैवी बैटरी को अपने स्मार्टफोन में लेकर के आने वाली है। बात करूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है Xiaomi की तरफ से। आज यहां पर Xiaomi का एक नया स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में IMEI डाटा बेस पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो चुका है, और इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर निकल करके आया है 220122G। अब ये जो स्मार्टफोन है कहीं ना कहीं एकदम टोटली न्यू स्मार्टफोन है, जो कि पहली बार आज यहां पर IMEI डाटा बेस पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर Redmi की अपकमिंग Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन हो सकते हैं, जिनका यहां पर ऑनलाइन स्पॉट होने से लॉन्च कंफर्म हो रहा है। अब देखते हैं आखिर ये Redmi का ये जो नया स्मार्टफोन है वो कौन सा स्मार्टफोन होता है। आपका क्या ओपिनियन है Redmi के अपकमिंग Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के? क्या आप यहां पर अभी से ही Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन का इंडिया में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे हैं? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल करके आती है माइक्रोमैक्स को लेकर के, और यार माइक्रोमैक्स तो आजकल मुझे लग रहा है कि एकदम गहरी नींद में चला गया है। माइक्रोमैक्स के ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये लोग 2-3-4 महीने में एक स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, फिर 3-4 महीने छुट्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं, फिर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, फिर छुट्टी पर चले जाते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? आज यहाँ पर माइक्रोमैक्स के कुछ 3 नए TWS BIS सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, जिसे कहीं ना कहीं ये कंफर्म होता है कि माइक्रोमैक्स भी TWS वगैरह में यहाँ पर इंटरेस्टेड है, और ये लोग भी अपने TWS ईयरफोन वगैरह मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं। काफ़ी लोग तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यार क्या माइक्रोमैक्स बंद हो गया क्योंकि माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन नहीं आ रहे हैं, या फिर क्या माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन को परचेज करना फ्यूचर के लिए सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से माइक्रोमैक्स यहाँ पर काम कर रहा है पब्लिक को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कहीं माइक्रोमैक्स दोबारा से स्मार्टफोन वगैरह बंद न कर दे। तो देखो यार, अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि माइक्रोमैक्स इतनी जल्दी बंद करने वाला है ये सब चीज़ें। और आप डर रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि माइक्रोमैक्स जो है वो इन लोगों ने कमबैक किया, और ये लोग इन लोगों का कहना है कि ये लोग स्मार्टफोन वगैरह पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा स्मार्टफोन अच्छे खासे फीचर्स और प्राइस के साथ में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 5G पे भी इनका काम चल रहा है, देखते हैं। वैसे मैं भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन लोगों को कम से कम यार जल्दीबाजी करनी चाहिए स्मार्टफोन लॉन्च करने में, कम से कम 1 महीने में एक स्मार्टफोन लॉन्च करें तो काफ़ी अच्छी बात होगी कंपटीशन को देखते हुए। जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो 3-3, 4-4, 5 बार स्मार्टफोन मार दे रही हैं 1 महीने में, और ये लोग 1 महीने में मतलब एक क्या कहूं मैं अब इसके बारे में। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल करके आती है एक ऐसे स्मार्टफोन को लेकर के जिसपे आपको ₹4000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। अब काफी लोग सोच रहे हैं यार कौन सा स्मार्टफोन है, तो अगर आप यहां पर सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते होंगे तो इस स्मार्टफोन पे ऑनलाइन मार्केट में आपको ₹4000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ऑफलाइन मार्केट की प्राइस से कंपेयर करें, जो सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, ये जो स्मार्टफोन है ऑफलाइन मार्केट में कुछ यहाँ पर 23,999 यानी ₹24,000 की प्राइस पे लॉन्च किया गया था। और अगर आप यहाँ पर अभी से स्मार्टफोन को ऑनलाइन मार्केट में जाकर के देखते हैं तो ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आपको 19,999 की प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसमें आपको ₹4,000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो डिस्काउंट है वो चलने वाला है 13 जुलाई तक। तो 13 जुलाई से पहले आप इस स्मार्टफोन को खरीद लेंगे तो आपको ₹4,000 का फायदा हो जाएगा। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती है रियलमी की अपकमिंग 9 सीरीज के स्मार्टफोन के प्राइस को लेकर के। दोस्तों, आज यहाँ पर एक ऐसी लीक निकल कर गई है जहां पर रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन की जो प्राइजेस हैं उसके बारे में दावा किया जा रहा है,
उसके बारे में काफी कुछ डिटेल निकल के आएंगे, आप यहाँ पर देख भी सकते होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रियलमी 9 स्मार्टफोन आने वाला है, इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है वो इंडिया में कुछ यहाँ पर 15,000 रुपए के आसपास में होने वाली है। 14,999 रुपए रियलमी 9 स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में स्टार्ट हो सकती है, तो ऐसी कुछ डिटेल है। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्रोसेसर को लेकर के कि आखिर रियलमी के इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर हमें कौन सा मिलता है। देखते हैं आखिर रियलमी वाले इस बार कौन सा खेल खेलते हैं रियलमी 9 सीरीज के साथ में। आपका क्या कहना है इन स्मार्टफोन को लेकर के, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट की अपकमिंग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का वेट कर रहे हैं, काफी लोगों का क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ पर इस सेल के डेट को लेकर के एक डिटेल निकल कर आई है। कहा जा रहा है कि जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल है वो यहाँ पर मिलने वाली है सेप्टेम्बर लास्ट में, और 29 सितंबर से ये जो सेल है वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो सकती है। ऐसे कुछ लीक्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। अब देखते हैं आखिर ये जो सेल है वो कब स्टार्ट होती है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं एक नया स्मार्टफोन वगैरह परचेस करने का, और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी आता है, तो ये कुछ डिटेल है सेल के बारे में। देखते हैं आखिर ये जो सेल है वो कब हमें देखने को मिलती है। बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों अभी तक हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट, दोस्तों अभी तक हमें व्हाट्सअप वगैरह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्री में डेटा देने का ही जो झांसा है वो दिया जाता था लिंक पर क्लिक करवाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर एक नया जो स्कैम है वो निकल करके आया है। यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं जहाँ पर स्मार्टफोन को बहुत ही कम दाम पे खरीदने की बात कही जा रही है, और नीचे यहां पर एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस पेज पे जाएंगे वहां पर आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। तो इस तरीके की जो चीजें वो फिर से यहां पर फैल रही हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से फैल रही हैं। यहाँ पर मेरे भी सामने कल एक मैसेज आया जहाँ पर ये कहा गया था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि Realme 7 स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7,499 रुपए की प्राइस पे। अब यार मैं भी इंसान ही हूँ, मैंने भी सोचा कैसे खरीद सकते हैं, मैंने भी डायरेक्टली उस पर क्लिक किया, तो वहाँ पर जो पेज है वो मुझे एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर के जाता है जहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन बकायदे वहाँ पर लिस्टेड किया गया है, और वो जो साइट है वो एक ओरिजिनल साइट की तरह काम कर रही है। वहाँ पर बकायदे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपको कहाँ पे लेना है, आपका नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सभी चीज़ें। और उसके बाद बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो कि है यहाँ पर प्रीपेड। आपको प्री पेमेंट करना होगा तभी वो जो स्मार्टफोन है आपके घर पे आएगा। मैं तो ये ऑप्शन देखते ही समझ गया कि बस करो, ये कोई ना कोई फ्रॉडस्टर है जो कि उल्लू बनाने का काम कर रहा है। तो आपको कोई भी ऐसी लिंक पे यार क्लिक ही मत करो जो कि व्हाट्सएप वगैरह पे आ रही हैं। डायरेक्टली अगर ऐसा कुछ डिटेल होगी कि आपको Realme 7 या फिर Realme 6 या फिर Realme 8 इतने का मिल रहा है, तो ऑफिशियली कंपनी की तरफ से डिटेल आएगी, हम लोग बैठे ही आपको बताने के लिए सबसे पहले। तो ऐसे में आपको कोई भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करूं अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन की जो इंडिया लॉन्च डेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो गई है। ये जो स्मार्टफोन है वो 20 जुलाई को इंडिया में दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाला है, ये चीज़ 100% ऑफिशियली कन्फर्म कर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन का वेट करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, 20 तारीख को आपका जो इंतजार है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। आपका क्या कहना है सभी चीज़ों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।